रक्षा मंत्री जी, ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल चाइना को लेकर, डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन को लेकर जो बातचीत चल रही थी, वो एक किस्म से रुक गई है। अगला डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? ये बात सच है कि इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, नहीं, यथास्थिति बनी हुई है। तो अगर यथास्थिति बनी हुई है, उसका मतलब डिप्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम नहीं होने वाला हमारी तरफ से। जब यथास्थिति बनी रहेगी, स्वाभाविक है डिप्लॉयमेंट कैसे कम होगा, तो डीएस्केलेशन भी ना नहीं। डिप्लॉयमेंट ना तो डिप्लॉयमेंट हमारा कम होगा, और मैं समझता हूं कि उनका भी डिप्लॉयमेंट कम नहीं होगा। तो स्टेटस को किसी तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। हाँ, मैं ये इसे है मैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मानता हूं। जी, हाँ, लेकिन बातचीत चल रही है, इसलिए बातचीत के द्वारा कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकले, तो यह हमारी अपेक्षा है। बातचीत बैक चैनल्स के जरिए चल रही है, क्योंकि अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं हुआ, मिलिट्री लेवल के हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल के हो, बैक चैनल चल रहे हैं। नहीं, उनके उनके भी हॉटलाइन मैसेज आए थे, हमारे भी हॉटलाइन मैसेज उनको गए हैं। बराबर अभी किन-किन मुद्दों पर बातचीत होगी, इस संबंध में मैसेजेस का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच हो रहा है। सर, 50 साल के बाद 2020 में बुलेट्स चली हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आप रक्षा मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि शांति की कोई संभावनाएं आपको जरा भी दिख रही हैं? भारत तो सदैव से ही विश्व शांति का पुजारी रहा है। केवल भारत और चाइना के बीच ही शांति भारत नहीं चाहता रहा है, भारत तो विश्व शांति का पुजारी रहा है। हम शांति तो सदैव चाहते हैं, पर ये तो गोल हुआ ना सर, ये तो एक एक जैसे कहते हैं कि एक पॉलिसी मैटर है कि शांति, कौन कहेगा कि हम शांति नहीं चाहते? शांति तो हर मुल्क कहता है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन एक एक एक्सपेंशनिस्ट गोल है चाइना का, दूसरों की जमीन हड़पने का। ऐसी स्थिति में शांति कैसे हो सकती है किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है, और भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। सर, आप कहते हैं कि भारत में क्षमता है, ताकत है, लेकिन बहुत ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं हमारे मुल्क में और बाहर जो कहते हैं कि चाइना का मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है, ना हमारे पास डिफेंस की कैपेसिटी है, हम तुलना भी नहीं कर सकते, लड़ाई करने की बात अलग है। अब ऐसे एक्सपर्ट्स के अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन उनकी हो सकती है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उससे हम भारतवासियों को हम अपनी सेना के ऊपर नाज है, फक्र है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जी, पर ये सेना के बारे में नहीं है, ये कहना है कि उनका कहना है कि ये सेना की गलती नहीं है, ये हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो रही हैं, हमने कभी डिफेंस को एक ऑप्टिमम लेवल पे हम कभी नहीं ला पाए सालों साल, क्योंकि हमारे में हम एक मिलिट्री पावर नहीं रहे हैं, हम एक सॉफ्ट पावर रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी हैं, एक डेवलपिंग पावर है, नॉन एक्सपेंशनिस्ट है। इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाता था। देखिए, आज़ादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, सिक्योरिटी को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है, और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं,
वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ब्लैंक चेक दिया गया है, एक ओके दिया गया है कि आपको जो कदम उठाना पड़े सिक्योरिटी के लिए आप उठा सकते हैं? नहीं, हमें अपनी सेना के ऊपर पूरा विश्वास है जी। यहाँ संयम की आवश्यकता होती है, वह संयम का परिचय देते हैं। जहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है, शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देते हैं। इनके ऊपर पूरा हम सबको विश्वास है, इसलिए किसी का हाथ बांधने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और ये जो कुछ भी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल रहा हूँ। जो कुछ भी बातें बोल रहा हूँ एकदम बिल्कुल दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ। आप गए थे वहां पर? कहाँ पर? आप लद्दाख गए? लद्दाख में गया था। और वहां पर मैंने अपने सेना के जवानों से भी मैंने बातचीत की। आपको उस वक्त कैसा लगा जब आप जानते थे कि वहां पर हमारे सैनिक जो हैं वो देवर टेकन अबैक, देवर टेकन बाय सरप्राइज, और जो गलवान में हुआ उससे दुख हुआ जरूर, लेकिन उस वक्त जवानों का जो हौसला है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी? हौसला हमारे जवानों की बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं थी। जब मैं गया था, हमारे जवानों का हौसला बुलंद था। और वही मैं कहता हूँ, कुछ कूटनीतिक कारण होते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड सवालों का एकदम बिल्कुल खुलकर जवाब देना, खुलकर बोलना, या कभी कभी कुछ अपनी मजबूरी भी होती है, कुछ अपनी सीमाएं भी होती हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार हमारी सेना ने दिया है, और संयम का भी, उसकी जितने भी तारीफ की जाए वो कम है। अभी चाइना जो है प्री अप्रैल 2020 पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि वो हटेंगे। तो ऐसे में सर्दियों के वक्त क्या आप समझते हैं कि गलवान जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है? देखिए, मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन भारत वासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, आपने अभी हाल ही में नॉर्दर्न फ्रंटियर की बात, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, यह हमारी बात को मैं समझता हूँ सीमा पर बैठा हुआ सेना का जवान भी सुनेगा, तो कम से कम यह फक्र के साथ कह सकेगा कि हमारा जो रक्षा मंत्री कह रहा है वो सच बोल रहा है जी। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ पर भी ट्रांसग्रेशंस के थ्रेट्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैटेलाइट्स के जरिए डेटा एनालिसिस करके वो देख चुके हैं कि वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं चाइना के, वहाँ पर रोड डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर फोर्सेस जा रही हैं। क्या हमारे फोर्सेस वहाँ पर उसी नंबर के साथ और उसी मतलब वही वैसे ही सक्षम है टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स? देखिए, भारत और चीन के बीच बाउंड्री को लेकर पर्सनल डिफरेंसेस लंबे समय से रहे हैं। अच्छा रहा होता कि यह डिफरेंसेस समाप्त हो गए होते, ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं, इस प्रकार के हालात पैदा ही न होते। वैसे पिछली सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। हाँ, यह बात सही है कि चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पहले से जो है करता चला आ रहा है, लेकिन भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर ये आवश्यक है, और वह काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बाउंड्री को, उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुल्कों की मिलीभगत थी, मतलब एक ये तरफा अटैक नहीं था चाइना से, इनकी मिलीभगत थी, जुगलबंदी थी? क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मैं इस संबंध में कुछ प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता, और हमारी आंख तो सचमुच
बिल्कुल, जिसे कहा जाए ना, हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। सर, बट टू फ्रंट वॉर के बारे में तो कई अरसे से बात चल रही है कि ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, होने की बात अलग है, ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है। भले ही अटैक ना हो, लेकिन हर किस्म से, आप FATF में देख लीजिए, UN में देख लीजिए, किसी तरह से देख लीजिए, इन दोनों मुल्कों की जैसे एक जकड़ हो गई है, चाइना और पाकिस्तान, एक पियर्स ग्रिप जो होती है। देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहाँ तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुवत है, ताकत है, यह हमने सिद्ध कर दिया है। आप क्रॉस बॉर्डर के लिए कह रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर जो मैंने मुझे कहना था वो कह दिया मैंने। रक्षा मंत्री जी, एक तरफ होता है कन्वेंशनल वॉर, एक तरफ होता है साइबर, एक तरफ होता है हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर में कई किस्म के टेक्निक्स अपनाए जाते हैं जी, और चाइना जो है, अभी हाल ही में अमेरिका ने दिखाया कि कैसे हाइब्रिड वॉर उनके खिलाफ चाइना ने किया था। मतलब चाइना के कुछ उनकी जो मेन पार्टी है, पार्टी के लोग जो हैं वो थिंक टैंक्स में बैठे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं, और वो अंदर से पार्टी का काम यानी चाइना का काम करते हैं दूसरे मुल्कों में बैठकर। और क्या वो हमारे यहाँ भी हो रहा है? हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने कुछ ऐप्स बैन किए हैं, पर इसके आगे भी कुछ है आपके पास, कुछ ऐसी इंटेल तो आई होगी जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है, करने वाला है? वैसे दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों को अच्छी तरह समझती हैं और उससे अपने देश को बचाने के लिए अथवा इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो अपनी व्यवस्था रखती हैं। अब भारत तो अब कोई कमजोर देश नहीं है, भारत ताकतवर देश है। भारत को भी इन चैलेंजेस को बीट आउट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब भारत कर रहा है। मैं दुनिया के अन्य किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता कि वह कौन अमेरिका के साथ कर रहा है, कौन रूस के साथ कर रहा है, कौन किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो साइबर वार हो, चाहे वो हाइब्रिड वार हो, इन सब सारे चैलेंजेस के खिलाफ जो कुछ भी करना चाहिए भारत तो कर रहा है, और आगे और जरूरत पड़ेगी तो भारत और करेगा। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बहुत अरसे से लोग कहते हैं, आपका सवाल बहुत ही ठीक था, इसमें कहीं दो राय नहीं, कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, कि इंडिया समझता है कि वो शांति चाहता है इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसे अटैक्स होंगे नहीं, पाकिस्तान के अलावा और कोई करेगा नहीं। ये सॉफ्ट स्टेट टैग जो इंडिया को लगा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्या ये सही है या आप समझते हैं कि ये गलत फहमी है? नहीं, सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब? साफ तो हम हैं, लेकिन स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर हाथ बांध कर बैठे रहें। ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। सर, क्योंकि इस किस्म के वॉर में जो दुश्मन है वो वर्दी पहन के नहीं आता, इसलिए मालूम है। इसलिए उसका, उसकी पहचान करना मुश्किल है, और पहचान करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन क्या हम में क्षमता है उसे पहचानने की और ये जानने की और समझने की कि हमारे खिलाफ ऐसे वॉरफेयर शुरू हो चुका है? मुझे लगता है बहुत पुराने भारत की आप बात कर रहे हैं जी।
अब इन सब सारी चैलेंजेस का भी मुकाबला करने की तैयारी भारत की है, और भारत अपनी ताकत को और भी साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और अधिक ताकत बढ़ा रहा है भी हमारी ताकत इसमें। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्नमेंट रोल या गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाता था। इसे इसे एक नागरिक को जोड़ना, इसको एक नागरिक के साथ जोड़ना, आम नागरिक को जोड़ना कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक ड्यूटी है, ये कहने में, ये मैसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत कामयाब रही है पिछले 6 साल में। क्या ये एक सोची समझी एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान था, या फिर ये आपके पार्टी में या आपके मे बी आरएसएस बैकग्राउंड या जो भी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है इट्स इन योर नेचर, ये सही है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मैं चाहे पिछली सरकारें रही हूं, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। क्यों? किसी को नहीं, किसी क्यों को आप नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर जो भी बन सका है सबने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी किसी भी सूरत में नहीं चलना चाहिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो तो सारे देश को, सारे भेदभावों को भूल कर एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिछली सरकारों ने किया, और आज पिछले 6.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर और प्रबल भावना भारतवासियों के अंदर बहुत पहले से रही है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, मेडिवल हिस्ट्री हो तो एंशियंट हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए, बराबर जब भी अपने स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हुआ है, भारत ने सदैव लड़ाई लड़ी है, हजारों वर्ष तक हम लड़ते रहे हैं। जहां आप कहते हैं कि देयर शुड बी यूनानिमिटी सभी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि बीजेपी जो है या भारत अंदरूनी मसलों को लेकर इतनी उलझन में पड़ गई थी, चाहे सीए हो, आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक का हो, इंडिया वॉज इन अ स्टेट ऑफ बबल, और उसमें उन्होंने, चाइना ने एक विंडो देखा और हमला कर दिया। क्या ये सही है? तो इसमें आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा और इस देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सही क्या? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 के बाद चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती आई हो, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत के साथ और जिस संयम के साथ, जिस सूझबूझ के साथ काम किया है और उसमें कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत कभी परेशान नहीं रहा, इधर 2014 से लेकर आज तक 2020 समाप्त हो रहा है, इन 6.5 वर्षों में किसी चैलेंजेस को लेकर परेशान हुए हों इस स्थिति में, न तो अपनी प्रधानमंत्री को हमने देखा है, न उनकी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार को पाया है। कभी हम लोगों ने किसी चुनौती को लेकर एकदम बिल्कुल संयम नहीं खोया है जी। मैं किसान आंदोलन पे आती हूँ अब। आप यू हैव बीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इसलिए आप जानते हैं इस इशू को, आपने बहुत करीब से देखा है जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है इस मुल्क की। आपके टेन्योर के दौरान आपने आई थिंक किसान चैनल शुरू किया था, किसान बहुत प्राइसिंग के ऊपर भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस समय इंटरेस्ट अनुरोध किया था जी। पहले जहां 14-18% किसानों को अपने कर्ज पर ये इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो उसमें बातचीत हुई थी, तो उस समय 8% पहली बार अटल जी के शासनकाल में ही यह हुआ था, और उसमें मैं मुझे भारत के कृषि मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला था जी। अब किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, उनकी डिमांड्स कई सारे हैं। पहली डिमांड तो ये है कि आप ये कानून हटा दें, उन्हें काले कानून कहते हैं, वो हटा दें। इतने सारे हजारों किसान वहां पर हैं,
आपकी सरकार ने कई टॉक्स किए, कई राउंड ऑफ टॉक्स किए, उन्हें न्योता दिया, बातचीत हो रही है, कई पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, कई ट्वीट्स जा चुके हैं, स्पीचेस हो चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी से कोई भी बॉर्डर पर नहीं गया हमदर्दी जताने के लिए। ऐसे क्यों लगता है कि आपकी पार्टी के लोग इनसेंसिटिव हैं? देखिए, हमारी पार्टी के किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है, मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रारंभ से ही, और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। पर एमएसपी को लेकर आप स्टेटमेंट, आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है? लिख लीजिए कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, इट्स नॉट देयर। यानी बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पहले भी कहीं एमएसपी था नहीं, पर अब जब कहीं वहम आ गया है तो फिर जब कोई व्यवस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी, और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है, जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह पूरी यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी दोगुना, ढाई गुना, तीन गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए, मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़े हुजूम टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास, मैं लखनऊ में गए हुए थे, मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए तर्कों के साथ, और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हित के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे, मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। पर ऐसे लगता है अब ये तर्क वितर्क से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि किसान अड़ गए हैं कि अब या तो हटेगा ये कानून या मतलब जब तक हटेगा नहीं हम नहीं हटेंगे। बातचीत हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को, मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। एक बार
कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं देखें तो, उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो, और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फ्लाक क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं, हम केवल सरकार के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, हम देश के लिए, गरीब के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जी जो हमारे देश की जनता के हितों के प्रतिकूल हो, उसका खिलाफ हो, ऐसा काम हम कभी नहीं कर सकते जी। आप हमदर्दी, आप संवेदनशीलता के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को लेबल दे रहे हैं, नक्सल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, क्या आप? मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे किसान किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है, उनके सामने, उनके सम्मान में, वो हमारे अन्नदाता हैं। और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन का दौर, आर्थिक मंदी का दौर आया है, उस समय भी आप अर्थशास्त्रियों से बातचीत करिए, वो इस बात की जानकारी आपको देंगे। तो सचमुच हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान, कृषि यह रीढ़ है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। और भारत की संस्कृति की रक्षा करने में हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें और बदसरैव भारत के स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, भारत की संस्कृति की सुरक्षा के लिए जो उनका योगदान है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ नजर आ रही है, राहुल गांधी जो है उन्होंने करोड़ों किसानों के हस्ताक्षर लेके वो राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं, तो अब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक सिर्फ एक किसानों के हित की बात नहीं है, अब ये एक राजनीतिक बैटल बन गया है। कम से कम इतना तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ, इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसानों के, किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई है एज कंपेयर्ड? अब जो भी आप अर्थ निकालना चाहें इसका निकाल लें, लेकिन देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं जी। उनका कष्ट हमारा कष्ट है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि इस एक्ट को लेकर कुछ ताकतों के द्वारा एक गलतफहमी हमारे किसान भाइयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलतफहमी को दूर करें। हमने भी बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत की है और मैं पुनः विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से कि आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं, बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। और यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। पंजाब में जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उन पर उनकी जो पावर सप्लाई है उनको काट दिया गया है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए,
मैं समझता हूँ कि इस पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों को विचार करना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा यह तोड़फोड़ की जा रही है तो तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनली इसकी क्रिटिसिज्म हुई है और जस्टिन ट्रूडो जो हैं, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कमेंट पास किया था। पहले मैं दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है, जो चाहे वो बोल दे। हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ था इस एजिटेशन को लेकर कि कनाडा हो जाए या यूरोप हो जाए, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू हो गई थी। तो इसे अगर हम ये मान के चलें कि सिर्फ ये किसानों का मसला है, इट विल बी अ वेरी इनोसेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। इसमें है, इसमें एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी भी है, आप चाहे इसे एक शैडो कंस्पिरेसी। कहीं ना कहीं से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को एक के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार विनम्रतापूर्वक अपने किसान भाइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए, तीनों बिलों को लेकर क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन करिए। आपको कहीं लगता हो कुछ और बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की, उनको भी बैठाइए। सरकार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। हम किसान भाइयों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते जी, ये भरोसा करें। वो किसान आंदोलन में भी अंबानी अडानी, इनका नाम बार बार आता है, जो नारे लगाए जाते हैं मोदी जी के पर्सनल खिलाफ लगाए जाते हैं, तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि ये जो कानून है ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के कुछ खास दोस्त या बीजेपी के जो खास हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए है ये कानून। जो 20 वर्ष तक इस देश में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हो, बराबर व्यक्ति को इस देश की जनता ने अपना समर्थन और प्यार दिया हो, उसके ऊपर इस प्रकार के जो बेबुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की जाती है, क्या इसका कोई औचित्य है? यदि यही रहा होता तो लगातार 20 वर्षों तक लगातार वह किस स्टेट के 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री, 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री इस देश के वो बने रहते। देश की जनता उनको यह अधिकार देती। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में केवल व्यक्ति नहीं है, वो संस्था होता है। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में, शायद बचपन में कहीं कोई भूल हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, जब से हमारी समझ बनी है राजनीति के बारे में, तब से अपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक शब्द कभी मैंने नहीं कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूं। और मैं सच बताऊं, रात को किसी टेलीविजन चैनल पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। लोकतंत्र को मजबूत बनाकर रखना है तो इस देश की संस्थाओं को, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो, ये सब संस्थाएं हैं। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है। विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार हमारी पार्टी में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में किसी ने कुछ रिमार्क कर दिया था, मैं उसकी यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन तुरंत मैंने उसे कंट्राडिक्ट किया था। मैंने कहा प्रधानमंत्री के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उनके खिलाफ किसी डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस समय भी मैंने कहा था,
आज तक मुझे याद नहीं है कि अपने, चाहे वह कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा हो या हमारे देवगौड़ा जी रहे हों, नरसिम्हा राव जी रहे, कोई रहा हो, किसी के बारे में अपमानजनक शब्द मैंने कभी प्रयोग किया हो, किसी को हमने कहा हो कि मर जा, मर जा। जो प्रधानमंत्री कलेजा निकाल कर देश की सेवा कर रहा हो बराबर गरीबों के लिए, उसके लिए ऐसे नारे लगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि इस प्रकार की नारेबाजी करने वाले लोगों को कृपया वो दूर रखें। तो आप, संस्थाएं कमजोर अभी होने लगती हैं, इंस्टीट्यूशंस जब कमजोर होते हैं, लोकतंत्र कमजोर होता है। तो आपको लगता है कि विपक्ष से किसी को उठ खड़ा होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ऐसे नारेबाजी नहीं होनी चाहिए इस आंदोलन में? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे, मैं विपक्ष को उपदेश नहीं देना चाहता और न हमसे वो उपदेश की अपेक्षा भी रखते हैं। वो स्वयं समझदार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, वो स्वयं फैसला करें उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये सब सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन की गरिमा बनाकर। कई ऐसी घटनाएं मेरे जीवन की हैं जिसका आज मैं खुलासा करूंगा तो लगेगा किस तरीके से हमने उनका सम्मान किया है। कभी कभी पार्टी के हितों के विरुद्ध जाकर भी किया है मैंने। मर्यादाओं को तोड़कर यह राजनीति करने का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, इसमें अपने जीवन की सार्थकता मैं नहीं मानता हूं। जब तक राजनीति करूंगा कोशिश यही करूंगा कि मर्यादाएं किसी भी सूरत में टूटने न पाए। सर, हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे और वहां पर पीडीपी और एनसी का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो आपके क्या विचार है इस बारे में? लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं थी, सारे लोग आजाद थे, ऐसा नहीं था कि कोई नजरबंद था, सबको घूमने टहलने की आजादी थी। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं कश्मीर के, इस बार स्थानीय निकायों के अथवा जो ग्राम पंचायतों के, उससे स्पष्ट हो गया है कि आतंकवाद और अलगाववाद हारा है और लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में जीता है। पीडीपी का कहना है, फारूक अब्दुल्ला का भी कहना है, और फिर आगे जाके महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में सब चीफ मिनिस्टर्स हों या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इदारों को इस्तेमाल कर रही है एज अ पॉलिटिकल टूल, चाहे सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कि विक्टिमाइजेशन हो रही है ऑफ नॉन बीजेपी पार्टीज। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। विक्टिमाइजेशन की जरूरत क्या है? हम हताश हों, हार रहे हों, डूब रहे हों, तब तो विक्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हम देख रहे हैं लगातार हर राज्यों में हमको विजय प्राप्त होती ही जा रही है, चाहे वो गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का भाई इलेक्शन हो, मध्य प्रदेश का भाई इलेक्शन हो, सभी जगह हम जीत ही रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि आप जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इन इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके ऊपर जो आप लोगों ने इन सब सारे जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया है? कि वो कह रहे हैं कि आपने फारूक अब्दुल्ला पर किया है, ममता जी कह रही हैं कि वहां पर हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तेलंगाना में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तेलंगाना में किसके ऊपर किया? नहीं, सबको, सबका कहना है कि इलेक्शंस जब आते हैं तो ईडी का इस्तेमाल होता है, सीबीआई का इस्तेमाल होता है उस राज्य में उन पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डालने। सबसे बड़ा इलेक्शन तो लोकसभा हो गया, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, किसके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई थी? देश की जनता ने फिर भी मोदी जी को जबरदस्त मैंडेट दिया कि नहीं दिया? तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा आरोप, बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो इदारे सारे इंडिपेंडेंट हैं और इन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? कोई सवाल ही नहीं, पर इनका जो राजनीतिक दुरुपयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि यही आरोप है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज यही आरोप लगा रहे हैं कि प्रेशर, बीजेपी जो है प्रेशर डालती है इन सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। अब है, हो सकता है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हो तो ये सब एजेंसियां तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, तो शायद इसलिए कहते होंगे वो,
बीजेपी को टारगेट करते होंगे और जो बीजेपी के कहने पर हो रहा है और जो बीजेपी के दोस्त हैं या फिर जो जो बीजेपी के खास माने जाते हैं चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, उनके खिलाफ कोई ईडी केसेस नहीं होती। ऐसा तो मुझे ध्यान इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, जरूर जिनके खिलाफ यहाँ कानून की कुछ की आवश्यकता पड़ेगी वो कानून अपना काम करेगा, उसमें उससे सरकार को जोड़कर देखना अथवा तो पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत तो कुछ किया जाता हो। सर आप यूपी के सांसद हैं इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूंगी कि वहाँ पर जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ आया है उसे लव जिहाद लॉ भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लॉ है उसे मिसयूज़ किया जा रहा है, जो लड़कियाँ जो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी करना चाहती है विलिंगली शादी करना चाहती है समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता और जब वो हिम्मत करके करना भी चाहती है तो अब इस लॉ के तहत उसे और भी सबजुगेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल में डाल देंगे। ये सब सबको पता था कि ये होने वाला है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बहुत से राज्यों में ये एंटी कन्वर्जन लॉ को मिसयूज होने का डर है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए, पर ये तो संविधान में है कि नहीं नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में, यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। पर जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते, तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं। पर उसका हक होता है, मतलब अगर कोई करना चाहता है कन्वर्ट करना चाहता, और कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लड़की कन्वर्ट नहीं करना चाहती और हो भी नहीं रहा। आपने बहुत सारे मामलों को देखा होगा कि फोर्सफुली जबरन लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी मामले आए हैं। जब ऐसे ये इसके इस दोनों को स्वाभाविक रूप से शादी होना और जबरन अथवा लालच देकर धर्म परिवर्तन करा के शादी करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं समझता हूँ सरकारों ने जो कानून बनाया है इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया है। जब ऐसे केसेस आते हैं सर तो फिर वो जो इमेज होता है बीजेपी गवर्नमेंट का कि एक जबरन हिंदुत्व पॉलिसी जो है एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाकर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना, ये एक एक पॉलिसी मैटर है नहीं। समझा जाता कहीं नहीं। मैं तो मानता हूँ जो सच्चा हिंदू होगा वो जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र भी इस बात की इजाजत नहीं देते कि जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए। 1916 क्योंकि दुनिया का इकलौता देश यह भारत है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने का काम दुनिया के किसी एक देश ने किया है तो भारत ने किया है, दुनिया के और किसी देश ने नहीं किया है। इसलिए जाति पंथ और मजहब के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी जितने हैं सभी भाई भाई हैं जी, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है। सर आप 1969 में आप पॉलिटिक्स में आए, 50 वर्ष पूरे आप एबीवीपी 69 में नहीं एबीवीपी में जब आए थे तो जो विश एबीवीपी में तो 15 जब स्टूडेंट लीडर 14-15 साल की उम्र थी स्टूडेंट लीडर बन के जब आए थे तो करीब 77 में पहली बार जब मेरी उम्र 26 साल की थी तब एमएलए हुआ था, उसके पहले 1.5 साल में जेल में था इमरजेंसी के दौरान। सो ऑलमोस्ट 5 decades, ऑलमोस्ट 50 years आप पॉलिटिक्स में रहे हैं। जब आप 50 years नहीं लगभग 40 years से थोड़ा 40 years तो आप जब पॉलिटिक्स में आए तो जब यूथ लीडर थे बीजेपी में आरएसएस बैकग्राउंड के साथ आपके कुछ एम्बिशंस थे गोल्स थे, उस वक्त का युवा
और 2020 का जो युवा है, आप क्या देखते हैं कि राजनीति में क्या फर्क आया है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आया हूं, और आज भी मैं कहना चाहता हूं मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। यह कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है, बल्कि सचमुच गौरव की अनुभूति है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू मुस्लिम और ईसाई इस आधार पर भेदभाव करना यह मुझे तो कभी नहीं सिखाया है, और इसीलिए आपने देखा होगा मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, और सेंटर में भी तीन तीन चार चार बार कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। तो कहीं पर हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं रहा है ये कोई ये कह सकता हो कि राजनाथ सिंह ने हिंदू मुस्लिम और ईसाई इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो, कोई भेदभाव किया हो, ऐसा कभी नहीं रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस आरएसएस की बात है मैं आरएसएस के बारे में भी कह सकता हूँ इस आधार पर नहीं सोचता है, कुछ चीजों को लेकर गलतफहमियां जरूर पैदा हो जाती हैं। तो उस वक्त का युवा क्या चाहता था भारत से, और आज के उस समय जो हम लोग काम कर रहे थे हम तो कभी सोचते भी नहीं थे कि हमारी पार्टी कभी भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी या कभी सत्ता में आएगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं थी। हमें देश की सेवा करनी है, बस यही भाव केवल मन के अंदर रहता है। नेशनल स्पिरिट लोगों के अंदर बिल्डअप करने की यही कोशिश हमारे संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती थी। लेकिन सत्ता में आना जरूरी होता है अगर आप नेशनल पॉलिसीज बदलना चाहते हैं, आप देश में कुछ करना चाहते हैं, होता है तो फिर सत्ता में आना जरूरी होता है। तो ये आपको कब महसूस हुआ, जब आप स्टेट लेवल पॉलिटिशियन थे या फिर स्टूडेंट लीडर थे, कब आपको लगा कि सरकार में रहने पर यह बात सही है काम करने का अवसर तो मिलता ही है, लेकिन मैं मानता हूं प्रतिपक्ष में रहकर भी जो अहम मुद्दे होते हैं जन सामान्य के हितों से जुड़े हुए उन ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना यह तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, सदन में भी कर सकता है सदन के बाहर भी कर सकता है। ऐसे क्यों होता है कि जो हमारे मुल्क के ही पॉलिटिशियंस होते हैं वो एम्बिशन दिखाना उसे एक वल्गैरिटी माना जाता है, मतलब कि कोई ये कहता नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या मंत्री बनना चाहता हूँ, ऐसे क्यों होता है कि हमारे मुल्क में कभी नहीं कहते हम सेवा करना चाहते हैं, ये जरूर कहते हैं लेकिन बनना चाहता है सब मंत्री, बनना चाहते हैं सब प्रधानमंत्री, ये हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, देखिए जहां तक मनुष्य है मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। यह कोई कहे कि हम कुछ बनना ही नहीं चाहते थे, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। बहुत ऐसा है रेयर कोई होगा वितरागी सारी चीजों से दूर होगा। हम जिंदगी में हम दायित्व को हासिल करना चाहते हैं तो हाँ दायित्व को हासिल करना चाहते हैं तो कुछ करने के लिए हासिल करना चाहते हैं। जैसे मैं एक घटना की चर्चा यहां करना चाहूंगा, 91 में 40 साल की उम्र थी, मैं उसमें उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना था, उसमें मास कॉपिंग सामूहिक नकल का दौर चल रहा था बड़ी तेजी के साथ, और मोर देन 70% 75% 80% ऐसे रिजल्ट आते थे। 1.5 साल के लिए शिक्षा मंत्री बना था मैं, और उसमें मैंने फैसला किया मैं किसी को भी नकल करने की अथवा किसी गलत रास्ते पर जाने की इजाजत नौकरियों को नहीं दूंगा, और एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस नकल विरोधी अध्यादेश उस समय जारी किया था, उसे लागू किया था, नॉन अवेलेबल बनाया था आपने, सब कुछ कर डाला था। उस समय जाकर 14% परिणाम आए थे, जो परिणाम जो 70-75% किसी ने सोचा नहीं था कि नॉन अवेलेबल हो सकता है। अवसर मिला जी, टेक्स्ट बुक के कंटेंट्स में बहुत सारे परिवर्तन लाने का भी उस समय अवसर मिला था। पर आपको कभी वैदिक मैथमेटिक्स को भी एक नई बस बहुत हुआ नहीं करना चाहता मैं ये नहीं। अब जैसे मैं पहले बतला दूं वैदिक मैथमेटिक्स मैं करना चाहता था, अब लोग कहे वैदिक मैथमेटिक्स ये हिंदू कल्चर इम्पोज करना चाहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है, इसका कोई पता तो लगाए। और मैंने एक बार वहां के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा था मुझे आश्चर्य होता है कि ये वैदिक मैथमेटिक्स भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जाती। अब आप ये कल्पना कर लीजिए, अब वैदिक मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे तो हम वो कमजल हो गए। और उस समय हमारे मुस्लिम टीचर्स उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, वो कहते थे मंत्री जी अब तक थी कहां, क्यों नहीं पढ़ाया जाता था। तो इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए की कि
कोई दायित्व तो मिलता है तो काम करने का अवसर भी मिलता है। सर अभी एक किताब निकली थी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के ऊपर, और उसमें कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर वाजपेयी जी चाहते थे कि अब राजनीति छोड़ा जाए, नहीं हो सकता यहाँ पे कुछ। अडवाणी जी की किताब अगर आप पढ़ें तो उनमें उनमें भी काफ़ी बारी ये फीलिंग आती है कि आई हैव डन विद दिस, नहीं करना चाहता, और उन्होंने इस्तीफा भी दिया था इफ़ यू रिमेम्बर। आपका कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आया जब आपने कहा बस हुआ और नहीं करना चाहता मैं ये काम? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा। जब तक ईश्वर ने सामर्थ्य दे रखी है तब तक जो भी बन सकेगा, जिस रूप में परमात्मा दायित्व देगा उस दायित्व का निर्वाह करते रहेंगे, लेकिन दायित्व हासिल करने के लिए कभी मर्यादा को तोड़ेंगे नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आपके पॉलिटिकल करियर में, राजनीतिक करियर में आपको आपके मित्र कौन रहे हैं, आपके आइकॉन्स कौन रहे हैं, आपको जैसे आपके मार्गदर्शक कौन रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। राजनीतिक नेताओं में पूछेंगे तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरा बहुत ही नज़दीक का वो था, वो हमारे आदर्श हैं। आदरणीय अडवाणी जी भी हमारे लिए आदर्श रहे हैं, यही लोग रहे हैं हमारे काल में जी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी तो एक्चुअली मैं देखा नहीं था मैंने, लेकिन उनके विचारों से ही अच्छी तरह मैं परिचित हूँ और उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग आगे चल रहे हैं। धन्यवाद सर।